सभी का स्वागत है एनसी का हैप्पी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम जो मेरे आप प्लांट्स देख रहे हैं, इन सभी का जो है मैं बहुत ही कम प्लांट्स करने वाली हूँ। प्लांट का जो है आज हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग करने से पहले फ्रेंड, मैं जो हूँ मास्क को पहनूंगी। चलिए, हम मास्क भी पहन लेते हैं, ग्लव्स, और इस ग्लव्स को पहन के ही फ्रेंड हम जो है प्लांट्स की रिपोर्टिंग करेंगे। तो चलिए, आज मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग किया है और मैं आपको एक प्लॉट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया है, ये है 16 इंच का मैंने प्लॉट लिया है। इस तरह का फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 6 पॉट लिया है और इन्हीं पॉट में जो है मैं अपने प्लांट्स को लगाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे जो प्लांट्स है, एक ही तरह का जो प्लांट्स है मेरे बहुत सारे गमले में लगे हुए हैं। तो एरिका पाम के जो प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 गमले में लगे हुए हैं। तो इन सभी को जो है मैं एक ही गमले में लगाऊंगी। और इस तरह से जो है मेरे गार्डन में जो पॉट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जगह भी नहीं है कि मैं आगे भी कोई और प्लांट्स को ऐड कर सकूं अपने गार्डन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के गमले लिए हैं और इनमें ही मैं जो हूँ प्लांट्स को लगाऊंगी। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि हमारे गमले जो है ढेर सारे वो कम हो जाएंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो और भी प्लांट्स को ऐड भी कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो मेरा जो है गार्डन बहुत बड़ा सा नहीं है, बहुत ही छोटा सा गार्डन है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ दिए के टुकड़े रख लिए हैं, और जो दिए ख़राब हो जाते हैं उनको भी आप रख सकते हैं। या फिर मिट्टी के कुछ पॉट्स होते हैं जो टूट जाते हैं, तो उसको जो है आप फेंकिए मत, उसको किसी भी डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। इस तरह से मैं रख लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होता है तब मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो जो पॉट में होल है दोस्तों, उसमें मैं जो हूँ होल के ऊपर जो है हम टिकरी रख लेंगे इस तरह से जो है। तो पूरे होल में जो है आप इस तरह से रख लीजिए। और इसको रखने से ये होगा दोस्तों कि जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो बहुत ही आराम से जो है पॉट के ड्रेनेज होल से पानी जो है वो आसानी से पास हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपने सभी पॉट के होल में मैंने टिकरी रख लिया है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे प्लांट्स को निकाल रही हूँ पॉट से। और निकालने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर किस तरह से रूट जो है वो रूट बाउंड हो गए हैं। नीचे से आप देख रहे हैं कितने मोटे मोटे। तो इसको जो है मैं नाइफ से कट कर लूँगी या सीजर से कट कर लेंगे। और मिट्टी को हम हल्का हल्का जो है उसको हम हटाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए सीजर से जो है मैं इसके रूट को कट कर रही हूँ। तो टाइम टू टाइम जो है फ्रेंड्स हमें जो है अपने प्लांट्स के ऊपर ध्यान देना होता है, उसके केयर करना पड़ता है कि प्लांट्स को कब क्या चाहिए और कब इसकी पॉट को जो है हमें चेंज करना है। ये सारी चीज़ें जो है प्लांट्स लगाते समय और प्लांट्स जब हम अपने गार्डन में रखते हैं तो इन बातों का जो है ध्यान देना होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एक किस तरह से जो है पूरे रूट बाउंड हो चुका है। इसको फ्रेंड्स मैंने जो है जो बारिश का मौसम आता है उस टाइम पे ही मैंने इसका रिपोर्टिंग किया था। और इसके बाद भी देखिए जो है ये किस तरह से रूट बाउंड हो गया। इस पॉट में ये पहले लगा हुआ था और ये जो पॉट है ये 12 इंच का पॉट में लगा हुआ था। और अभी जो है मैं इस प्लांट को 16 इंच के पॉट में मैं इसको शिफ्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे मिट्टी को मैंने निकाल लिया है और इसको मैंने जो है ड्राई होने के लिए 2 दिन छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है मैं इसमें कुछ जो है खाद वगैरह एप्सम सॉल्ट और भी बहुत सारे ऐसे जो खाद है एनपीके मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड करना है, फंगसाइड मैं जो है साफ वो डाली हुई हूँ। तो इन सभी को जो है डाल के हम अच्छी तरह से मिट्टी को जो है हमें मिलाना है। तो यहाँ पे जो है मेरी डॉटर मेरी हेल्प कर रही है मिट्टी को जो है वो पूरी मिट्टी में जो मैंने अभी खाद डाला है उसको हम जो है मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स होने के बाद जो है पॉट में हम जो है मिट्टी को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा फिल कर ली हूँ। और फिल करने के बाद जो है
मैं प्लांट्स को सेंटर में रख के देख रही हूँ कि मिट्टी मुझे कितना फील करना है। तो और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और भी जो मैंने अभी एरिका पाम के प्लांट्स को निकाली हुई हूँ गमलों से, तो मैं इसको बारी बारी जो है सभी को इस पे रख लूँगी गमले के अंदर। और जब रखने के बाद जो है हम फिर से मिट्टी इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से जो है गमले को फिल कर देना है। और फिल करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने बहुत सारे गमले को जो है कम किया है। और इस तरह का जब हम गड़े वाले गमले लेते हैं दोस्तों, तो उसमें खाली जगह बच जाता है नीचे वाले साइड पे, तो वहाँ पे भी जो है आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने 3 प्लांट लगाए हैं। ये क्रोटन का प्लांट है और यहाँ पर मेरे 3 गमले जो है वो कम हो गए हैं। तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे जो गमले आपके पास पड़े रहते हैं उनको आप जो है कम कर सकते हैं। तो बड़े बड़े पॉट लेकर आइए और उनमें जो है आप प्लांट्स को कम कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एरिका के पाम के जो मेरे पास प्लांट थे वो 8 गमले में लगे हुए थे और यहाँ पे मैंने 5 गमले जो है इस बड़े वाले पॉट में मैंने लगा लिया है, सॉरी फ्रेंड्स प्लांट्स को लगा लिया है। तो इस तरह से जो है और भी मेरे जो प्लांट्स थे वो सभी प्लांट्स को मैंने बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने टोटल 100 गमले को मैंने कम किया है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप बहुत गमलों को कम कर सकते हैं। प्लांट्स लगाने से नहीं होता है दोस्तों, उसकी टाइम टू टाइम हमें केयर भी करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे ये है प्लांट, और इस प्लांट को देखिए मैंने यहाँ पे कितने सारे गमले जो है अलग किए हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट थे फ्रेंड्स, एक ही गमले में जो है एक ही तरह का प्लांट था, और मेरे जो प्लांट्स है एक ही तरह का प्लांट 10-12 गमले में थे, और जिसकी वजह से मैं कोई और प्लांट भी अपने गार्डन में ऐड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने यहाँ पे जो है अपने प्लांट्स की संख्या को मैंने कम किया है। तो इस तरह से जो है आप कम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए मेरे पास ये जो प्लांट है एग्रोनिमा का, और मैं एक ही प्लांट लेकर आई थी और धीरे धीरे प्लांट्स की कटिंग लगाते लगाते मेरे पास आज जो है 25 गमले इसके हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको कम किया है। और इसके बाद जो है गर्मी आ गई है, तो यहाँ पर मार्च के टाइम पे ही मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट को लगा लिया था। तो आप अभी भी जो है ग्रीन नेट लगा लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाने पर जो है प्लांट्स को दिक्कत होता है। तो और अब जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको जो है DIY बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह का मैंने 2 बोतल लिया है, और ये कोको कोला का बोतल है दोस्तों। तो इस तरह का जो है कोको कोला का बोतल ले लीजिए। यहाँ पर मैं छोटे वाले बोतल का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे आप जो है बड़े वाले बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक रैबिट बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर रैबिट बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बोतल लूँगी सबसे पहले, और इस बोतल के ऊपर जो है हम न्यूज़पेपर को जो है हम बॉल की तरह बनाकर बोतल के ऊपर वाले साइड पे जो है हमें इसको पेस्ट करना है। तो इसको पेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ करूँगी। तो इस तरह का जो है मास्किंग टेप जो है आप ले लीजिए, और इससे जो है आप बॉल को बॉटल में अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है मास्किंग टेप से बॉल को और बॉटल को एक दूसरे में अटैच कर लिया है। और जब इतना होने के बाद फ्रेंड्स, अब जो है मैं इसके ऊपर फेविकोल लगाऊंगी। तो बॉल के ऊपर और यहाँ पर जो बॉटल है उसके ऊपर भी हम फेविकोल को लगा लेंगे। तो अच्छी तरह से जो है आप फेविकोल को लगा लीजिए बॉटल के ऊपर, और फिर इसके बाद दोस्तों जो है फेविकोल को अपनी उंगलियों से पूरे बॉटल के ऊपर और जो मैंने न्यूज़पेपर के बॉल बनाया है उसके ऊपर फैला लीजिए। और फैलने के बाद अब जो है मैं यहाँ पे अल्मोनियम फॉइल ली हूँ, और इस फॉइल से जो है हम पेपर को कवर करेंगे। तो इस तरह से जो है आप कवर कर लीजिए।
और कवर करने के बाद फ्रेंड्स मैं फिर से जो है फेविकोल लगाऊंगी एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर, और साथ ही साथ इसमें मैं बॉटल में भी फेविकोल को लगा लूंगी। तो इस तरह पूरे बॉटल के ऊपर भी हम फेविकोल लगा लेंगे। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरह से लगा लेती हूँ और साथ ही साथ इसको जो है हम फैला भी लेंगे। तो इस तरह से जो है आप फैला लीजिए। और आज जो है फ्रेंड्स मैं इसमें वर्क करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी को जो है मैंने डो पहले से बना लिया है और वॉल पुट्टी का ही मैं यहाँ पे वर्क करने वाली हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि वॉल पुट्टी से आप DIY नहीं बनाती है, तो आज जो है मैं वॉल पुट्टी से ही DIY बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो अभी तक मैंने जितने सारे DIY मैंने बना के आपको दिखाया है, तो वो मेरे सारे जो DIY होते हैं फ्रेंड्स वो छोटे छोटे होते हैं, तो मैं क्ले से ही यानी मैंने मोल्डेड क्ले से ही मैं उनको बना लेती हूँ। लेकिन जब कोई बड़ा सा DIY हम बनाते हैं तो वहाँ पर मैं वॉल पुट्टी का यूज़ करती हूँ। और अभी जो गर्मी का टाइम आ गया है तो वॉल पुट्टी का जो डो है जब हम वॉल पुट्टी से बनाते हैं तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है, तो यहाँ पर मैं वॉल पुट्टी का यूज़ कर रही हूँ DIY बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरे बॉटल को और जो मैंने बॉल बनाया था उसको मैंने वॉल पुट्टी से कवर कर लिया है, और कवर करने के बाद नीचे वाले साइड पे मैंने थोड़ा सा और पुट्टी मैंने लिया है और पुट्टी के डो को, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसके फेस को बना रही हूँ। तो मैं जिस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे फेस बना रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से ही आपको जो है यहाँ पे फेस बनाना है रैबिट का। तो इस तरह से बना लीजिए। और यहाँ पे मैं आई का शेप देने वाली हूँ, तो अपने उंगली से हल्का सा दोनों साइड पे पुश कर लीजिए। और अब जो है पुश करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे रैबिट के ईयर को बना रही हूँ। तो इस तरह से दो ईयर आप जो है रैबिट के बना लीजिए और उसको अच्छी तरह से जो है स्मूथ करिए। तो इस तरह से बनाने के बाद फ्रेंड्स हम जो है आप किसी भी टूल से या फिर नाइफ से जो है आप जो ईयर बनाए हैं इसके अंदर जो है शेप दे दीजिए। तो इस तरह से जो है दोनों ईयर बनाने के बाद जो है हम इसको ड्राई होने के लिए अच्छी तरह से छोड़ देंगे। और अब जो है मैं रैबिट के लेग को बना रही हूँ। तो वह मैं बहुत ही सिंपल ही है, यहाँ पे एक इसके जो है पैर को बना रहे हैं, तो बिल्कुल पत्ती की तरह ही आपको बनाना है। तो बना लीजिए और उसके बाद जो है इसमें भी हम पैर के शेप को दे देंगे। तो इस तरह से जो है आप किसी भी चीज़ से जो है पैर के शेप बना लीजिए। इस तरह का दो लेग को हम कंप्लीट करेंगे। और अब जो है मैं इसके टेल को बना रही हूँ, तो टेल को भी जो है आप बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इन सभी को बनाने के बाद अभी जो है इनको ड्राई भी करना है, तो इनको बना के जो है आप अच्छी तरह से इन सबको ड्राई कर लीजिए। और तो ड्राई होने के बाद ही फ्रेंड्स वॉल पुट्टी पे जो है हम वर्क करते हैं। तो इस तरह से देखिए जो है ये टेल भी बन गया है, और इसके ऊपर मैं हल्का सा जो है कहीं कहीं पे मैं हेयर का टेक्सचर दे रही हूँ। तो अब ये जो है वो ड्राई हो गया है, और ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स जो है हम इसके फेस को बनाएंगे। तो अब दो छोटे छोटे बॉल के तरह जो है वॉल पुट्टी को ले लीजिए और दोनों साइड पे जो है इसको लगाइए, एक दूसरे में अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर छोटा सा एक और जो है हम बॉल के तरह रोल लेंगे और उसको भी जो है हम सेंटर में लगाएंगे। तो इस तरह से जो है आप जो है फेस इसके बना सकते हैं। वाटर ले लेंगे और फिर वाटर से ही हम जो है इसके फेस को अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे। तो आप अच्छी तरह से जो है इसके फेस को स्मूथ कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉल बनाया है जो मैं यहाँ पे इसके नोज़ बना ली हूँ, और नोज़ बनने के बाद फ्रेंड्स हमें जो है इसके आई को बनाना है। तो आई बनाने के लिए पहले आप छोटा सा जो है बॉल बना लीजिए, और बॉल बना के आप जो है इसको पेस्ट कर दीजिए, और इसके ऊपर मैंने
जो है छोटे छोटे रोल किया है और इस तरह से जो है आपका आई भी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आई बन गया है और अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसके लेग बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वाटर को आप जो है लगा लीजिए, के बाद मैं यहाँ पे इसके लेग को बना रही हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे लेग बना रही हूँ इस तरह से आप जो है लेग बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप डायरेक्ट लेग को बनाकर इस पर पेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है मैं लेग की शेप दे रही हूँ। तो अब इस तरह से दोनों लेग को शेप को मैंने दे दिया है। इसके बाद बीच में भी हमें जो है पुट्टी को फिल करना है। तो इस तरह से पूरे को फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद फ्रेंड्स इसको आप अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वॉटी ज़्यादा लगाना है ताकि हमें जो है यहाँ पे थोड़ा ऊँचा दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है दोनों लेग को बना लिया है और इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसके हैंड को बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है आप वॉल पुट्टी के ऊपर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे पानी लगा लेना है, दोनों साइड पे लगा लीजिए और लगाने के बाद ही जो है आप इस पे हैंड को ऐड करिए, मतलब इसको हैंड को लगाइए इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने हैंड इस तरह से लगाया है और इस तरह से दोनों साइड पे आप हैंड जो है लगा लीजिए। और देखिए ये हैंड भी दोनों साइड पे लग गया है। और अब मैं यहाँ पे एक सिंपल मैं यहाँ पे एक गाजर बनाई हुई हूँ, कैरेट। तो उस कैरेट को मैंने यहाँ पे बना लिया है और बनाने के बाद जो है इसके दोनों हैंड के बीच में मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ। तो जैसे लगेगा कि ये जो रैबिट है ये अपने हाथ में एक कैरेट को गाजर को पकड़ा हुआ है और इसके ऊपर मैं लिप्स बना रही हूँ। तो इस तरह से जो है हम इसके लिप्स को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पत्ते को बना लेती हूँ। तो सिंपल पत्ते को बना लीजिए और इसके अंदर जो है आप पत्ते का शेप भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो गाजर के अंदर भी मैं जो है गाजर के जैसा ही मैं यहाँ पे एक शेप दे रही हूँ। और अब जो है हमें इसके ईयर को लगाना है। तो यहाँ पे जो है वॉल पुट्टी अच्छी तरह से अभी ड्राई नहीं हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं नाइफ से ही इसको धीरे धीरे मैंने यहाँ पे कट किया है और होल किया है और इसके अंदर ही जो है मैं ईयर जो बनाई हुई हूँ उसको लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे पानी लगा रही हूँ जहाँ पे हमने होल किया है उसके अंदर। आपको जो है वाटर थोड़ा सा इसके अंदर वाटर को डालना है और वाटर डालने के बाद जो है हम थोड़ा सा इसके अंदर वॉल पुट्टी भी उस होल के अंदर डालेंगे और इसके बाद जो हमने ईयर बनाया है उसको हम इसके अंदर लगा लेंगे। और लगाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा वॉल पुट्टी ले लीजिए और उसी के हेल्प से जो है आप ईयर को लगा लीजिए। तो इस तरह से दोनों ईयर को आपको जो है लगा लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है जैसो और जैसो से ही मैं जो हूँ रैबिट को कलर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है वो रैबिट बन गया है और हम जो है इसको कलर कर रहे हैं। नीचे वाली साइड पे मैंने लेग को लगाया है और पता नहीं दोस्तों वीडियो जो है मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं डिलीट हो गया कि क्या, पता नहीं चल रहा है। मैंने काफ़ी खोजा है फिर भी मुझे जो है वो नीचे जो मैं लेग लगाई हूँ उसका वीडियो मुझे नहीं मिला है। तो अब जो है मैंने इसको जैसे उसे कलर कर लिया है और कलर करने के बाद जब ये कलर ड्राई हो गया है तो इसके ईयर के सेंटर वाले के पोर्शन को मैं यहाँ पे पिंक कलर से कलर कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड पे आप जो है कलर कर लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स जो है हमें इसके आई को बनाना है। तो यहाँ पे जो है इसके आई को मेरी डॉटर बना रही है। तो मुझे जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा दिखने में भी दिक्कत है कि मुझे दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे वर्क चीज़ें जो है मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी डॉटर इसके आई को बना रही है। तो
इस तरह से जो है आप आई को बना लीजिए, दोनों आई को आपको कंप्लीट कर लेना है। और जब ये आई कलर हो जाएगा इसके बाद हमें जो है इसके नोज़ को भी कलर करना है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से ही कलर कर रही हूँ। और जब ये कलर हो जाएगा इसके बाद हमने जो यहाँ पे गाजर बनाया है इसको हम ऑरेंज कलर से कलर करेंगे। तो कहीं कहीं पे ऐसे जो मैं DIY बनाती हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे मेरी जो है डॉटर मेरी हेल्प करती है, वो कलर कर लेती है, क्योंकि मुझे जो है कलर करने में दिक्कत होता है। और इस टाइम पे फ्रेंड्स मुझे जो है वो फीवर भी है, और इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक ही DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो है इसके लिप्स को ग्रीन कलर से कलर कर लीजिए, और इस तरह से जो है आपका रैबिट भी कलर हो जाएगा। और अब जो है मैंने यहाँ पे जो इसके लेग बनाया है उसके बीच में जो गैप है उसको जो है पिंक कलर से हमें कलर करना है। और साथ ही साथ हमें जो है इसके फिंगर के बीच में जो गैप है उसे भी हमें कलर कर लेना है। तो इतना कलर होने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो रैबिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो है इसके माउथ के पास मैंने कलर नहीं किया है, तो आप उसको जो है कलर कर लीजिएगा। और ये रहा फ्रेंड्स मेरे DIY का फाइनल लुक। तो मेरा ये रैबिट कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मेरा ये रैबिट आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और इसके बाद मैंने इस रैबिट को अपने गमले में इस तरह से एक प्लांट के नीचे रख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।